अभी अभी जो है आशीष मिश्र पहुंचे हैं, अकेले यहां पर पहुंचे हैं और सीधा बिना कुछ बात करे एसआईटी की टीम के सामने पेश होने के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर के अंदर पहुंच गए हैं। फिलहाल आप देखें तमाम मीडिया कर्मी यहां पर मौजूद हैं लेकिन बात वगैरह कोई नहीं कर रहा है। जी आप ठीक है, आप लोग दूरी बना लीजिए, नीचे थोड़ा दूरी बना लीजिए आप लोग, आप लोग उधर चलिए तो आप आइए हम बता, आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए, दो मिनट के लिए आप पीछे तो आइए, आप पीछे आइए हम बात करते हैं, आप प्लीज आप जी 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 अब चलिए आप लोग प्लीज अब दूरी बना लीजिए, गेट छोड़ दीजिए, नहीं नहीं कोई बाइक नहीं, आप पीछे तो आ जाइए, आप रेंज को खाली कर, ये बता दीजिए आशीष मिश्रा जी आ गए कि नहीं आ गए, केबल निकाल दो, क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम देख रहे हैं। आशीष मिश्रा यहां पर पहुंच चुके हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता कुमार सोनू भी बता रहे थे अकेले आए हैं और अब से कुछ ही देर पहले वो यहां पर पहुंचे हैं, मीडिया वालों से बात नहीं की, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, सीधे दफ्तर के अंदर चले गए हैं। एक बार फिर से सीधे कुमार सोनू का रुख करेंगे। कुमार सोनू, जिन सबूतों की बात उनके पिता कर रहे थे, क्या उन सभी सबूतों के साथ वो वहां पर पहुंचे हैं? हलफनामे का भी जिक्र आशीष मिश्रा के पिता कर रहे थे। देखिए लीगल एड जो है वो ली जा रही है, यानी कानूनी सलाह ली जा रही है लगातार उनके परिवार की तरफ से, उनके पिता जो है लगातार इस बात को कह रहे हैं। फिलहाल सबूत तमाम साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ अगर आपके पास कोई मोबाइल वीडियो है या मोबाइल में कुछ डिटेल है, आपके बेगुनाह होने का सबूत जो है वो तमाम सबूतों को क्राइम ब्रांच की टीम ने मांगा था, एसआईटी की टीम ने मांगा था। फिलहाल अभी यहां पर अकेले पहुंचे हैं, पूछताछ होनी है, अभी जस्ट पहुंचे हैं, पूछताछ का दौर शुरू होगा। जो डीआईजी हैं उपेंद्र अग्रवाल वो मौजूद हैं, एसपी विजय ढुल और इसके अलावा एडिशनल एसपी अरुण कुमार वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं, इसके अलावा बाकी जो तमाम अधिकारी हैं, जो केस के जांच अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। और सवालों की फेरिस्त एसआईटी की बेहद लंबी है और मुझे नहीं लगता कि वो शाम तक जो है वो फेरिस्त खत्म होने वाली है, क्योंकि कई घंटों तक पूछताछ का दौर होगा जिसमें आशीष मिश्रा को कड़े और कठिन सवालों के से होकर गुजरना पड़ेगा, तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, जांच में सहयोग नहीं करते हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार करके रिमांड भी मांगा जा सकता है। तो ये तमाम अभी कयास हैं, लेकिन अभी अभी वो पहुंचे हैं, 11 बजे का समय था। सोनू जैसा बता रहे हैं कि एक बड़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर लिस्ट तैयार की गई है सवालों की और साथ ही साथ वहां पर आला अधिकारी मौजूद है। लेकिन सोनू एक बात बताए, लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो विपक्ष की ओर से लगातार एक संशय किया जा रहा था कि जो आशीष मिश्रा है देश नहीं है, देश से भाग गए हैं, गायब हैं, उस पर तो विराम लग गया, और जो उनके पिता की ओर से परिवार की ओर से जो दावे किए जा रहे थे कि उनका बेटा पेश होगा, उनके पास सबूत है, वो साबित हो रहा है। देखिए बिल्कुल, हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि आशीष मिश्र जो हैं वो दो दिन से नेपाल में थे, क्योंकि ये कयास इसलिए लगाए जा रहे थे कि उनके जो पैतृक गांव है बनवीरपुर, उससे महज कुछ ही दूरी पर भारत और नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, तो ये कयास लगाना एक लाजमी हो जाता है। तो ऐसे लोगों जो है या दूसरे लोग जो है लगा रहे थे और विपक्षी पार्टियां लगा रही थी। हालांकि इस दौरान अपनी फरारी के दौरान 3 दिन तक वो कहां पर रहे, 3 दिन तक जब तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए तो उस दौरान वो कहां रहे, किस किस से मिले, क्या क्या बातचीत हुई, और ये तमाम सवाल जो हैं उस एसआईटी की टीम के द्वारा पूछे जाएंगे जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि जब परसों नोटिस लगाया गया था देर रात, तो 10 बजे पेश क्यों नहीं हुए, हालांकि ये कहा गया परिवार की तरफ से कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन जब वो आए तो यहां पर अच्छे खासे लग रहे थे, देखकर उन्हें नहीं लग रहा। आपको मैं रोकना चाह रहा हूं, हम तस्वीरें देख रहे हैं यहां पर, जो आशीष मिश्रा है जिसका लगातार जिक्र हम कर रहे हैं, ये अजय मिश्रा के बेटे हैं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, और अब से थोड़ी देर पहले वो पुलिस के
पुलिस लाइन पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं सफेद कुर्ते में नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से ये नॉर्मली नजर आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत ज्यादा कुछ अलग तो महसूस नहीं हो रहा है और वो बताया जा रहा है कि तमाम वो सबूत लेकर पहुंचे हैं जिसका जिक्र उनके पिता की ओर से किया गया था। इससे पहले जब इंटरव्यू भी हुआ था ये घटना होने के बाद, तब भी आशीष मिश्रा ने कहा था कि उनके पास तमाम वो साक्ष्य हैं जिसमें बताया गया था कि जिस वक्त ये घटना हुई थी लखीमपुर खीरी में, उस दौरान वो अपने कार्यक्रम में थे जहां पर दंगल हो रहा था और इसकी तस्दीक करने के लिए बड़ी तादाद में ना सिर्फ ऑफिशियल्स हैं बल्कि आम लोग भी मौजूद हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से उनके पिता यानी कि अजय मिश्रा ने जिक्र किया था कि उनके पास वीडियोस भी हैं और साथ ही साथ उनके पास जो कॉल डिटेल रिपोर्ट होती है यानी कि आपका फोन का लोकेशन क्या होता है उसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ पर था, वो सारे साक्ष्य लेके बताया जा रहा है कि अब वो पहुंच चुके हैं इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और जैसा कि सोनू ने हमें बताया, अच्छा कुमार एक बात बताइए कि अब जब वहां पर जाएंगे, जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी, जिस वक्त उस जीप ने कई लोगों को क्रौंदा था, उस वक्त आशीष मिश्रा ने दावा किया कि वो दंगल में मौजूद थे, इसको लेकर आप कितनी जानकारी जुटा पाए हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आशीष मिश्र ने यह दावा किया कि जब घटना हुई तो उस दौरान वो दंगल जहां पर हो रहा था वहां पर मौजूद थे, तो उसके कई वीडियो भी उन्होंने लोगों को दिए, शेयर किए, मीडिया से भी शेयर किए, तो उन वीडियोस की भी फॉरेंसिक जांच हो सकती है कि आखिर उन वीडियो में से छेड़छाड़ तो नहीं की गई। दूसरा, आशीष मिश्र के मोबाइल की जाँच होगी कि वो घटना के वक्त किस किस के संपर्क में थे, किस किस से बात कर रहे थे। तो ये तमाम सवाल हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, जब आशीष मिश्र की गाड़ी वहां पर जलाई गई तो उस दौरान आशीष मिश्र कहां थे? दूसरी बात कि आशीष मिश्र की जो जली हुई गाड़ी है, जब वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंची, मेटल डिटेक्टर लेकर पहुंची, तो वहां से अध जले जो कारतूस हैं वो पुलिस को बरामद हुए थे, तो आखिर गाड़ी में कारतूस कहां से आए, किसकी रिवॉल्वर के थे, लाइसेंस किसका था? तो ये तमाम बड़े अहम सवाल हैं जिनकी को लेकर पूछताछ होगी। आशीष मिश्रा को कई घंटों की पूछताछ के दौर से गुजरना पड़ेगा। जी मतलब पूरी सवालों की फेहरिस्त तैयार कर ली गई है और उन सभी सवालों के जवाब आज आशीष मिश्रा को देने होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।